वजरिस्त के लिए बशार अंजील होंगे और एक हमारे एडिटर साहब होंगे। हम दुआ करेंगे पास्टर जॉन साहब के साथ कि जिस काम को हम शुरू करने वाले हैं उनको ब्लेस देने करने वाले हैं कि खुदावंद को इस काम के मुताबिक चलने की तौफीक दे। ये आगे बढ़े और अपनी जिंदगी उसकी तरफ चलाओ और बहुत सी रूहों को बालों से अपने कलाम से अपने रवैये से और कलीसिया के लिए भाई से बरकत हो और अपने घरानों के लिए भाई से बरकत हो और इनका चलना फिरना बोलना चलना तेरे चला बीमारियों को छिड़कता हूँ तेरे हम भाइयों के साथ मुत्तफिक हैं और मैं चाहता हूं कि हम उनके साथ मुत्तफिक होकर सुनो का सुनो का चढ़ गया आपसे वादा करूंगा कि जिस काम के लिए आपको हम बरकत देने वाले हैं महसूस करने वाले हैं आप उस काम में दलेरी के साथ चलने वाले हों। कभी भी जो भी कोई भी मसरूफियात कोई आम हो उसको भी आप मद्देनजर नहीं रखते होंगे और जिस काम के लिए आपको चुना जाएगा महसूस किया जाएगा आप उसको अवल कर जाओगे। आप इस बात पर राजी हैं? जी मैं राजी। आप बोले मैं कमाल खुदा से वादा करता हूँ कि आज जिस खिदमत के लिए मैं चुना जाऊँ जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी जाए उसके मुताबिक मैं खुदा की पाक मर्जी को पूरा आमीन। दुख हो या सुख हो मैं हमेशा अव्वल दर्जा खुदा आपको ये कलाम की बात मैं पढ़कर सुनाऊंगा। कद्दस मत्ती की इंजील में लिखा हुआ है उसका 28 बाप उसकी
1920 आयत में लिखा है, दोनों भाइयों के लिए है, बस तुम जाकर सब कौमों को क्या करो, और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से, और उनको ये तालीम दो कि इन सब बातों पर अमल करो जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ। जी भाई इश्तियाक आपसे वादा कर लेता हूँ, खुदा जिस मसीह को हम अपना गवाह बनाते हैं, कलीसिया को गवाह बनाते हैं, दोनों भाइयों के लिए यही वादा है कि आप कहेंगे मेरे पीछे, मैं इश्तियाक गिल, मैं इश्तियाक गिल खुदावंद से वादा करता हूँ, खुदावंद से वादा करता हूँ कि आज जो भी जिम्मेदारी, आज जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी, मैं खुदावंद की खिदमत में हमेशा, मैं खुदावंद की खिदमत में हमेशा जिम्मेदारी के साथ, जिम्मेदारी के साथ अदा करूँ, अदा करूँ। आमीन, आमीन। आज सुख हो या दुख हो, आज सुख हो या दुख हो, हमेशा उसको अव्वल दर्जा, हमेशा खुदावंद को अव्वल दर्जा दो। आमीन। आज के बाद ये भाई को बहुत बहुत मुबारक हो, उन्होंने खुदा की है अकीदे को पढ़ा और खुदा उनमें वादा किया है और कलाम का हिस्सा इनको सुनाया गया है और ये शुरू हुआ है और समझ रखते हैं और ईमान रखते हैं इस खिदमत के लिए, ये बाशे बरकत है, ये मखसूस किए जाएंगे, अभी इनको तेल और पानी से, तेल से ही मसा करेंगे, पानी से ये पहले हो चुके हैं, तो सब मखसूसियत से पहले दुआ करेंगे ताकि इनको जो जिम्मेदारी दे रहे हैं उन्होंने बखौश अपनी, किसी के दबाव के बगैर नहीं, किसी के प्रेशर में तो नहीं उदा ले रहे, किसी को नीचा दिखाने के लिए तो नहीं उदा ले रहे, बल्कि खुदा की बलाहट जो मुझे पहुंची मैंने आपको पहुंचाई और आपने खुशी से दी, ये खुदा का कलाम और क्लीसिया इसकी गवाह है, और आप जब तक भी इस जिंदगी में रहे आपके अंदर दम रहे, खुदा का दम दो किस्म के हैं, एक खून को यहाँ पर दम कहते हैं और एक सांस को जो हमारी अंदर चल रही है, जब तक खून भी रहे, जब तक खुदा का दिया हुआ दम रहे, हम हमेशा खुदा को अव्वल दर्जा दें। हम अपने सरों को झुकाएंगे और खुदावंद की हुज़ूरी को महसूस करेंगे। मेहरबान अज़ीम खुदा, मैं आपका शुक्र करता हूँ सच्चे और सुहाने वक्त के लिए कि आपने हमारी जिंदगी में ये लम्हा बख्शा कि हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं, और खुदावंद खुदा मैं बेहद शुक्र गुजार हूँ इन दो भाइयों के लिए भी जिनको आज ऑर्डेन करने के लिए खुदावंद खुदा आपने यहाँ पर मुहैया किया, और आपने खुदावंद खुदा हमारे दिलों में ये डाला कि हम उनको इस काम के लिए मखसूस करें। खुदावंद खुदा, खुदावंद खुदा जैसा कि आपने कलाम मुकद्दस में अजीम हुक्म दिया है कि जाओ और सारी कौमों को अंजील की बुशारत सुनाओ और उनको बाप बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो, तो बिल्कुल खुदावंद खुदा ये दो भाई जिनको आज ऑर्डेन किया जा रहा है इनको मैं आपकी हुजूरी में रखता हूँ, खुदावंद खुदा इनको बड़ी कसरत से इस्तेमाल कीजिएगा और इनकी हिफाजत और निगरानी कीजिएगा खुदावंद खुदा, ताकि ये और भी बहुत सारी भेड़ों को आपकी खिदमत में लेके आने वाले को, ये सब कुछ मांगता हूँ खुदावंद यीशु मसीह के नाम। इस अटेन करने की खुशी में कलीसिया की तरफ से जो हदिया दे रहे हैं इस इनके ऊपर बरकत चाहे ताकि हम इनको देंगे ऑर्डेन की बरकत के बाद, और ये दो सर्टिफिकेट भी आपको दिए जाएंगे, आप एल्डर की खिदमत हमेशा याद रखेंगे, आप एवेंजलिस्ट की खिदमत हमेशा याद रखेंगे, हाँ उनके लिए करेंगे। आया हम अपने दिलों और सरों को खुदा के सामने से दुआ मांगे, खुदा बाप खुदा बेटे खुदा रूह कुदस के नाम से, अजीम मशीह खुदा कादर अब्दियत के बाप, सलामती के शहजादे, शहंशाहों के शहंशाह, मसीह यीशु में हमारे जिंदे और सच्चे आसमानी बाप, तू जो है जो था और जाने वाला है, तू जो कहर करने में धीमा शफकत और रास्ती में खलीफ खुदा है, दिल से खुदावंद करे शुक्रगुजार हैं आज के इस दिन के लिए जो दिन खुदावंद तूने हमारी जिंदगी में दिया ताकि हम इस सरजमीन पर जिंदा रहे, और जिंदा रहते हुए खुदावंद तूने हमें कुव्वत और ताकत दी, तूने हमें बरकत दी ताकि अपने भाइयों को खुदावंद तेरे कलाम के लिए तेरे नाम के लिए मखसूस कर सके,
खुदावंद यीशु मसीह आसरी मिन्नत करता हूँ भाई इश्तियाक के लिए जो तेरा खादम खुदावंद मखसूस हुआ और भाई माल के लिए खुदावंद जो तेरा खादम मखसूस हुआ एज ए मुबशराने अंजील खुदावंद इसको बड़ी बरकत देना इन दोनों को खुदावंद अपने छिड़ार के लिए इस्तेमाल करना और खुदावंद बड़ी कुव्वत देना खुदावंद ताकि जब तक जिंदा रहे खुदावंद तेरे साथ वफादार रहे और तेरे कलाम की मनाज़िर करते रहे और खुदावंद इनके वसीला से बहुत से लोग बरकत पाए और कसरत की बरकत पाए और खुदावंद तेरे यीशु मसीह की नाम को इज्जत और छिड़ार मिले। खुदावंद यीशु मसीह की मैं के लिए विनंत करता हूँ और पूरी कलीसिया के लिए और अपने लिए खुदावंद जब तक हम खुदावंद जिंदा है खुदावंद तेरे कलाम पर अमल करते रहे क्योंकि खुदावंद तेरे पाक कलाम में 24 सबूत में लिखा है खुदावंद के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा और उसके मुकद्दस मुकाम पर कौन खड़ा होगा वही जिसके हाथ साफ है और जिसका दिल पाक है जिसने बुतारत पर दिल नहीं लगाया और जिसने मकर से कसम नहीं खाई वो खुदावंद की तरफ से बरकत पाएगा। खुदावंद यीशु मसीह की विनत करता हूँ हमारे दिलों को भी पाक करना और हमारे हाथों को भी खुदावंद हर वक्त पाक रखना ताकि हम जब खुदावंद तेरे मुकद्दस मुकाम पर खड़े होते हैं तो खुदावंद हमारे वसीला से सब लोग बरकत पाए और खुदावंद खास कर भाई इश्तियाक के लिए और भाई कमाल के लिए इनके खानदान के लिए इनके लिए खुदावंद बरकत की दुआ मांगता हूँ। खुदावंद इनके खानदान को भी बढ़ाना ताकि इनके बच्चों के बच्चे भी खुदावंद तेरी खिदमत कर सके और तेरा शुक्र अदा करें। आने वाले वक्त में खुदावंद हम सब की निगाहबानी मदद दरख्वास्त करना और खुदावंद यीशु मसीह की हम हर वक्त दुआ करते रहे खुदावंद मुकद्दस दाऊद नबी की तरह जैसे मुकद्दस दाऊद नबी फरमाता है अरे खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर और मेरे बातन में असरे लो मुस्तकिम रूप धार दे। खुदावंद यीशु मसीह की मैं विनत करता हूँ पूरी कलीसिया के लिए पूरे मसीही लोगों के लिए खुदावंद हम सबको बड़ी बरकत देना और हर वक्त खुदावंद हमें अपने कलाम में आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाना और खुदावंद बड़ी कुव्वत और ताकत देना ताकि अपनी इसके साथ मुकाबला करते हुए खुदावंद यीशु मसीह की अपने दिल को पाक और साफ रखें और खुदावंद तुझसे बरकत पाते रहें और तेरे घर में आए और खुदावंद तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। खुदावंद खास कर विनत करता हूँ अपने पास्टर शहबाज साहब के लिए और बाकी तमाम पास्टर साहबान के लिए पूरी कलीसिया के लिए पास्टर साहब की पूरी फैमिली के लिए खुदावंद हम सबको बड़ी बरकत देना और खुदावंद इसी तरह इस घर को शाद और आबाद रखना खुदावंद ताकि हम इसी तरह तेरे घर में आते रहे और खुदावंद तेरे नाम की प्रार्थना और इबादत करते रहे और तेरे कलाम को सुनते और सुनाते रहे ताकि खुदावंद हमारे वसीला से लोग बरकत पाए और तेरे यीशु नाम को इज्जत और जलाल मिले। इसी यीशु के नाम से मांगते हैं चाहते हैं आमीन आमीन। ड्रिंकों के लिए दुआ करेंगे भाई क्रिस्टोफर ये जो हम इनको पीसीए की तरफ से गिफ्ट देना चाहते हैं कि जब तक भी ये गिफ्ट इनके पास रहे बल्कि रहना चाहिए तो ये खुदा की खिदमत में लगे रहे दुआ कर उसको दूसरे मुल्क फाइज बराबर के मारे खुदा तेरे हजूर आए हैं खुदा चीज और फानी है खुदा हमेशा तेरी ताकत रहने वाली है खुदा हम अपने भाइयों को तेरे हजूर पेश करते हैं खुदा उनके दिलों को दबावों को आए खुदा तो अपनी पैदा में और खुदा जो मखसूसियत के निशान उनको पेश किए जा रहे हैं खुदा ये उसी तरह निशानों में है खुदा जिस तरह है खुदा हमारे दिलों में रूह है खुदा जिस तरह आया खुदा हमारी जिंदगी में तेरा नाम है खुदा ये निशान उनको हमेशा याद दिलाते रहे कि उनको आने वाली जिंदगी में क्या नेमत क्या मकसद होगा ऐ खुदा ताकि अपनी जिंदगी को इस निशानों को देखते हुए और ऐ खुदा तेरी तरफ बढ़ते रहे और अपनी कामलियत की तरफ बढ़े ऐ खुदा इन सब के साथ इनकी फैमिलियों को ऐ खुदा बड़ी बरकत से माला माल कर ताकि इनके वसीले से इनकी इनकी फैमिलियां भी ऐ खुदा तेरे हजूर आए ऐ खुदा इनके वसीले ऐ खुदा हम को अपनी बड़ी बरकत माला माला माल कर ऐ खुदा ताकि इनकी जिंदगी हमारे लिए राय मशल हो जाए खुदा हम सब को चू और पाकर ये सब कुछ मांगते तेरे नाम के वसीले से आमीन। आप घुटनों के बल हो जाएंगे खुदा बाप मैं तेरा शुक्र करता हूं तेरे बंदों के लिए तेरे बेटों के लिए तेरे खास अपने दूर करें और यीशु के नाम को चाहते हैं।
आत्मवाणी इससे मिन्नत करता हूँ जब तक भी इनकी जिंदगी में जिंदगी रहे सांसें रहे ये इस खिदमत के साथ वफादारी के साथ चलते रहे और तेरे नाम को लाइव तौर से इज्जत चलाते रहे इनकी फैमिलियों के लिए खास बरकत अगर कोई मुश्किल परेशानी आने वाली है या आने आज आई है मैं यीशु के नाम से डांटता हूँ तमाम मुश्किलात परेशानियों कोई भी ऐसी गंदी तस्वीर गंदे इरादे गंदे प्यार उनके घरानों के आस पास ना रहे उनकी फैमिलियों के आस पास ना रहे बल्कि तेरे बंदे तुझ में दलेर हों तेरे साथ पोस्त हों तेरी बरकत को रिसीव करें तेरे कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें आज मैं तेरा खादम पुता हुआ यहोवा पाखुदा इनको इस काम के लिए अंजीर की मुरादी के लिए तेरी सलीब के कलाम को फैलाने के लिए तेरे बेटे के बपतिस्मा को फैलाने के लिए इनको मकर रखता इनको मखसूस करता इनको ब्लेस करता पाखरू का मस्सा मांगता इनको छू यहोवा पाखुदा इनकी बड़ी मदद कर अपने बेटे के वसीला से जिसने जो सुबह हमेशा हमारी वकालत की जो हमारे लिए शिफायत करता जो हमारे लिए बड़ी यह सुबह लड़ाई करता है वो हमेशा उससे इंतमाज करता है इसको एक साल और बढ़ने दे इसको और अकल आने दे दनाई आने दे अगर नहीं आएगी तो आगे को ये काट दिया जाए बल्कि तूने हमें वक्त जितना भी दिया है इस वक्त को हम गनीमत जाने और तेरी जो कीमत हमें मिली है हम इसको पाक खिदमत जानकर खुशी के साथ लाचारी से नहीं बेबसी से नहीं बल्कि मोहब्बत के साथ प्यार के साथ अंजीर की मुनादी करते मैं को इस वक्त पाक और बेटे और रूह कुदस के नाम से बंद कर दे छू पाक रू छू तेरे बंदे तुझ पर भरोसा रखते तो बड़ी अक्ल दे दलाई दे ताकि ये अंजील की खुशखबरी को समझ के साथ अक्ल के साथ ईमानदारी के साथ भरोसे के साथ सुनाने वाले यीशु के नाम आमीन बंदा अपने भाई कमाल काले खान को मशरा ने अंजील की बरकत आज के बाद बंदा अगर इसमें कोई कमी कमजोरी है तो मैं उसको भी सजानता हूं और पात्रों का गहरा मस्सा मांगता हूं जिंदगी में जो भी रुकावटें हैं परेशानियां हैं घरानों में यीशु नाम से दूर हो ताकि ये तेरी अंजीर को तेरे कलाम को ईमानदारी के साथ वफादारी के साथ सुनाने वाला था मैं इसको बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से ब्लेस करता बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन अपने हाथों को दे बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से दिल के साथ दिल को दलेर कर ताकि खुशी के साथ बरकत की ईमानदारी की खैरजोई की रूप बाहर यीशु के नाम छू छू ताकि मेरा बंदा बरकत पाए और बहुत सी रूहों जानों बंदों को बचाने का सबब यीशु के नाम बहुत बहुत मुबारक हो जोरदार तालियां बजाएं आज के बाद ये हमारे मुबशरों के इंग्लिश इंग्लिश में कहा जाता है उर्दू में मुबशरों जी ओके अच्छा लग रहा है सारे के मेरे लिखा हुई आई जैसे तो मुबशरों जी भी हुई तो हम अब भाई आपके लिए दुआ करेंगे उसके बाद हमारे पास्टर जॉन और भाई
उसके घराने के लिए, उसकी फैमिली के लिए मैं तेरी खास यहोवा खुदा हिफाजत मांग, उसके साथ होना, उसकी रुकावटें दूर कर देना, परेशानियां दूर कर देना। अगर कोई मुश्किल परेशानी नजर भी आए तो दूर तक, जिस तरह तेरे बंदा मूसा ने फराउन के साथ कहा था सामने जाकर कि मेरी कौम को जाने दे ताकि ये दूर दराज मुल्कों में जाकर तेरे लिए हम अपने खुदावन के लिए कुर्बानियां दें, इबादत करें। वो पाक खुदा ये दूर दराज मुल्कों में भी जाए, दूर दराज जगहों पर जाकर तेरे नाम को इज्जत चला दे। हम किसी से डरने वाले न ठहरे, शैतान की तमाम तर चलाकियां, मकारियां, हीलाबाजियां मैं तेरे बेटे यीशु के नाम से डांटता हूं और अपने पांव तले रौंदता हूं, कभी भी इसके पास ना आने पाए। ये अंजीर का पैगाम खुशी के साथ, ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ सुनाने वाला ठहर सके और अपने घराने को भी लेकर चलने वाला ठहर सके और क्लीसिया के लिए बायसे पर करता। और हम सब इस सुबह जो इनको तू अपनी पाक मर्जी के मुताबिक खिदमत अदा कर रहा है उसको क्लीसिया और हम सब खुशी के साथ कबूल करें, ये तेरे हुजूर में भी मंजूर नजर ठहरे। और आपका बेटा यीशु इनकी जिंदगियों में अजीब और चिराली काम करे। यीशु के नाम से मैं यहोवा खुदा पाक रूह का गहरा मस्सा मांगता हूं, अपने बंदे को छू 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 ताकि तेरा बंदा कोई भी ऐसी परेशानी अपने नजदीक ना रख सके बल्कि तेरे बेटे यीशु के नाम को सारा चला दे। मैं इसको यहोवा पाक खुदा क्लीसिया के लिए एल्डर की बात कर देता हूं, आज के बाद ये एल्डर इश्तियाक के हैं और हम ईमान रखते हैं कि हमने तेरे नाम से, तेरे कलाम से, तेरे वादों से इनको मखसूस किया है। मैं उसी तेल से मसा करता हूँ बाप और बेटे और अनुकुद्दस के नाम से, आमीन। अपने हाथों को दे बाप और बेटे और अनुकुद्दस के नाम से, बाप और बेटे और अनुकुद्दस के नाम से। ये अंजील की मुनादी ईमानदारी के साथ और खुदा यीशु मसीह का पैगाम वफादारी के साथ सुना दे यीशु के नाम से, आमीन। बहुत बहुत मुबारक हो, जोरदार तालियां भाई। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस के नाम से, हाय खुदा हूँ, खुदा यीशु मसीह नासरी, मैं फिर से तेरा शुक्रगुजार हूँ। मैं एक अदरा सा कदम उठाए हुए खुदा हूँ, तूने मुझे कुवत और ताकत की बरकत दी ताकि मैं अपने भाई कमाल को खुदा जो तेरा मुबशिर आने अंजील अंजीलिस्ट खुदा हूँ मुकर्रर हुआ इसे खुदा हूँ ब्लेस करना, बरकत देना, अपने चिराग के लिए खुदा हूँ इस्तेमाल करना और खुदा हूँ तेरे से मिन्नत करता हूँ उसके लिए छोला दम तलवार का पहरा लगाना खुदा हूँ ताकि कभी कोई बरीसी ताकत, कोई शैतानी ताकत इस भाई पर हमला बंद होने पाए। खुदा हूँ इसे बड़ी बरकत देना, बड़ी दलेरी देना, बड़ी कुवत देना, बड़ी ताकत देना, बड़ी इज्जत देना, बड़ी हसनत देना, बड़ी बुजुर्गी देना खुदा हूँ ताकि इसी तरह तेरे लोगों की खिदमत करता रहे और तेरे कलाम में आगे बढ़ता रहे और खुदा हूँ तेरा शुक्र अदा करे। इन द नेम ऑफ जीसस खुदा हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। खुदा हूँ यीशु मसीह के नाम से इसी तरह मैं भाई इश्तियाक के लिए भी दुआ करना चाहता हूँ। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी हमद हो, तेरी तमजीद हो, तेरी बड़ियाई हो। खुदावंद तू बड़ियाई वाला खुदावंद है, खुदावंद तू किसी की हलाकत नहीं चाहता बल्कि यही चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे। खुदावंद यीशु मसीह नासरी मैं दिल से तेरा शुक्रगुजार हूँ भाई इश्तियाक के लिए, खुदावंद तेरे से मिन्नत करता हूँ। खुदावंद इसके साथ साथ रहना, ये तेरा खुदावंद कादम मुकर्रर हुआ, खुदावंद जहाँ भी खिदमत करे खुदावंद तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। इस भाई के छिर भी खुदावंद का पहरा लगाना
खुदावंता के कभी ऐसी ताकत कोई शैतानी ताकत खुदावंद सिपाही पर हमला बंद कर पाए, इसके खानदान को बड़ी बरकत देना, अपने चिराग के लिए इस्तेमाल करना खुदावंता, हम इन दोनों भाइयों के वसीला से बरकत पाए और कसरत की बरकत पाए और खुदावंद तेरे यसु नाम को हमेशा इज्जत और जलाल मिले। इस भाई के लिए फिर तेरे बरकत की दुआ मांगता हूँ और खुदावंद मिन्नत करता हूँ कि ये भाई भी खुदावंद तेरे साथ जब तक जिंदा रहे वफादार रहे और खुदावंद तेरा शुक्र अदा करता रहे, इसी यसु के नाम से मांगते और चाहते हैं। मैं आपको बाप बेटे और रोल सदस्य के नाम से मसा करता हूँ और आपको एल्डर की नशेस्त के लिए मखसूस करता हूँ। खुदावंद आपके साथ हो और आपकी तमाम राहों में आपके साथ हो, आप जिस भी चीज़ को हाथ लगाएं उसमें बरकत आ जाए और आपके वसीला से सभी बरकत पाएं और आप उस हुक्म को तकमील तक ले जाएं जिसका हुक्म खुदावंद ने 5 मरतबा दिया कि जाओ और सारी कौमों को अपना शागिर्द बनाओ और उनको बाप बेटे और उनको दस के नाम से बपतिस्मा दो। तो मैं आपको एल्डर की एल्डर के काम के लिए मखसूस करता हूँ और बाप बेटा और उनको दस के नाम से। भाई कमाल काले खान साहब, मैं आपको एवेंजलिस्ट के लिए मुबशर के लिए मखसूस करता हूँ। खुदा आपके साथ हो, आपकी तमाम राहों में आपकी हिफाजत और निगरानी करें। शोला तनवार आपके गिर्द घूमे और आपको तमाम बुरी चीज़ों से महफूज रखे और आप जो खिदमत करने वाले हैं उसके वसीला से खुदा आपको बहुत ज़्यादा बढ़ाए और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे और आप उस हुक्म की तकमील करने वाले हो सकें जिसका हुक्म खुदावंद यीशु मसीह ने अपने कलाम में 5 मरतबा दिया है। खुदावंद खुदा आपके साथ हो ताकि आप बहुत सारी कौमों को शागिर्द बनाने वाले हो सकें और उनको बाप बेटे और उनको दस के नाम से बपतिस्मा देने के लिए। मैं आपको मखसूस करता हूँ एवेंजलिस्ट के लिए, खुदा बाप बेटे और उनको दस के नाम से। खुदा आपके साथ। आपने कबूल किया जिस जिम्मेदारी को सिर्फ जन्म से कबूल किया, आप इसमें बड़े और बड़ी बरकत पाए और इसी तरह आपको भी इस खिदमत के लिए एल्डर के लिए चुना गया है खुदावंद की तरफ से और कलीसिया की तरफ से और आदमी की तरफ से और खुदावंद में बड़े अपने जिंदगी से उसको जवाब करते हैं। आपकी खिदमत आपके घराने के लिए पैसे बन सकते, आपका कलाम आपका चलना फिरना कलीसिया के लिए पैसे बन सकते और आप दोनों भाई इसी तरह खुदावंद की चुना करते हैं। इस बात पर मुतफिक है और आपको इन दोनों आपको एल्डर का इख्तियार देते हैं और भाई को इवेंजलिस्ट का इख्तियार देते हैं। नए लोग जीसस और ब्लेस यू ऑल। पूरी जमात खड़ी हो जाए, आप भी खड़े हो जाए। बहुत सारी तालियां इनके लिए। मुबारक हो। मैं खुद आपकी खादमा नसरीन से दरख्वास्त करूंगा वो सामने आ जाए। तकसीम कीता कबूल कीता है। आमीन।
बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू। अगर तुसी दो दो मिनट कुछ कहना चाहते हैं। बिल्कुल सर जी, इस कमाल बेहतर है इसी अमेंट करने का है। 4 बजे से 5 बजे तक, और मेरे साथ कुछ अरसा जो है हमारा भाई जो है अरफान भी मेरे साथ ही उठता रहा। तो उन्होंने मुझे जब ये देखा तो बताया कि आपकी खिदमत बाहर है, बाहर से आपने लेके आना कादम के पास लोगों को, ताकि वो एक गल्ला बने और बढ़े, और आप एक शेफर्ड की तरह, जैसे कहते ना एक कुत्ते का नाम है नहीं, जर्मन शेफर्ड, और उसका एक बड़ा एक बेहतरीन काम ये होता है कि वो भेड़ों को अलग नहीं होने देता, वो पास पास करता है ताकि वो जुड़ी रहे, जब कोई अलग हो जाए उसको घेर के फिर गले में लेके आता। और ये वफादारी है उसकी कि वो अपने बाप का और अपने मालिक का ना वफादारी से ही काम करता है। इसी तरह हम भी अपने बाप यानी यस्सू का और इस कलीसिया के वफादार बनकर रहें, और हम ये काम करते रहें। खुदा का शुक्र है कि खुदा की बरकत और फजल और उसकी हिकमत हमें मिली है ताकि इस काम को हम बराबर जारी रखें। और खुदावंद ने काम भी हमें यही दिया है ताकि हम गैर कौमों में जाकर इसी बात की मनादी करें कि लोग जो है खुदावंद यीशु मसीह में आकर हमेशा की ज़िंदगी को हासिल कर लें, क्योंकि लोग जो है दर्द-ए-ज़ा में पड़े हुए हैं और मुख्तलिफ मकामात पर बुतपरस्ती जहालत में हैं और गलत फहमियों में पड़े हुए हैं। हमें उनकी गलत फहमियों को दूर करके निजात की शादमानी और खुशी में लेकर आना ज़रूर है, और यही काम हमें सुपुर्द किया गया। ये सिर्फ हम सबको दिया गया, लेकिन खुसूसन जब हम मखसूस कर दिए जाते हैं तो हम पर एक फ़र्ज बना दिया जाता है कि आपने ये काम करना है ज़रूर। खुदावंद आपको और मुझे बड़ी बरकत दे, और मैं शुक्रगुजार हूँ फिर से आप सबका। शुक्रिया। खुदा उनकी तारीफ हो। खुश हैं साहब? मैं इसलिए खुश हूँ कि नूरों के बाप की तरफ से मुझ पर रहम होगा, उसने मुझे चुना है। मैं खुदा उनका बेहद अपने दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुजार इस बात के लिए कि आज खुदा ने मुझे अपनी खिदमत के लिए नामजद किया, और मैं इस बात के लिए शुक्रगुजार हूँ खुदा के खादमों के लिए कि जिसके दिल में खुदा ने यह बात डाली, क्योंकि वो खुदा की खिदमत करता है और खुदा के खादम के दिल में खुदा बात डालता है। मैं इस बात के लिए शुक्रगुजार मैं पूरी कलीसिया का, मैं अपने सीनियर पास्टर साहब का, पास्टर जुवेद साहब का, एल्डर साहब का, मैं हर एक का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा। और मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि खुदा मुझे इस मेयार पर उतरने की ताकत दे, खुदा मुझे अपने रूल कुदस से भरे, ताकि जो जिम्मेदारी मुझ पर लगाई गई है, जो खिदमत आपने मुझे और खुदा ने मुझे इस काबिल समझा है कि मैं ये खिदमत कर सकूं, मैं खुदा से भी मिन्नत करता हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे लिए दुआ करें ताकि खुदा मुझे अपने रूह से भरे, ताकि मैं जो काम भी करूँ वो मैं अपनी ख्वाहिश से या अपनी मर्जी से ना करूँ, मैं खुदा की मर्जी से करना चाहता हूँ और मैं खुदा की मर्जी पूरी करना चाहता हूँ। हालेलुया। तो मेरे अजीजो, मैं खुदा की मोहब्बत का इजहार करना चाहता हूँ कि खुदा हमसे मोहब्बत करता है, प्यार करता है, जिंदा रखता है, जिंदगी देता है। तो किसी शायर ने बड़ा खूब कहा, क्योंकि मुझे ये नई जिंदगी मिली हुई। मैं एक तरह बंदा पैदा होता है तो जब उसको दोबारा जिंदगी मिल जाती है तो उसको कहते हैं नई जिंदगी, क्योंकि मैंने मौत को बिल्कुल करीब से देखा, मैं मौत के मुंह से निकल कर आया हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि मुझे नई जिंदगी मिली। मैंने सबको गवाही भी दी है, आप सब जानते हैं। तो खुदा ने जब मुझे ये नई जिंदगी दी है, इस नई जिंदगी में खुदा मुझे अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो मैं खुदा मुझे मसीह की गवाही देना चाहता हूँ जिसने मुझे ये नई जिंदगी दी है। शायर कहता है कि कौन किसे दी हामी पर्दा है, ते कौन किसे पापी रुड़दे हुए पापी नूं बाहों फड़दा है। मैं बताना चाहता हूँ मेरे जीजो, यीशु मसीह पापी की हामी भरता है, ते यीशु मसीह रुड़दे हुए पापी नूं बाहों फड़दा है। और मैं एक और बात का भी करार करना चाहता हूँ, यीशु मसीह की हामी भरता है,
यसु मसीह इश्तियाक की हामी भरता है और यसु मसीह रड़दे हुए इश्तियाक नूं बाहों फड़दा है। यसु मसीह ने मुझे वो मौत से निकाल कर जिंदगी में दाखिल कर दिया। मैं मौत के मुंह में था, खुदा ने मुझे मौत से निकाल कर जिंदगी बख्शी है। और मैं आपके लिए भी, मेरे पास एक मैसेज है, आप सबके पास एक चांस भी है, जिंदगी है। शायद कहता है कि कौन किसे दी हामी भरता है, कौन किसे रुड़दे हुए बाहों भरता है। यसु मसीह आपकी हामी भरता है और यसु मसीह आपको पकड़ना चाहता है, आपसे मोहब्बत करता है। इसलिए अपनी मर्जी को पूरी करने की कोशिश ना करें, कोशिश करें जिस तरह यसु मसीह ने कहा, अब्बा मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। और मैं भी आज खुदा से ये मिन्नत करता हूं कि बाप हमारी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी हमारी जिंदगी हो, ताकि हम दूसरों के लिए बरकत का बायस बने, दूसरों की दुआ करने वाले, शुक्रगुजारी करने वाले, बरकत चाहने वाले। और यसु मसीह बड़ी अच्छी बात कहता है, शायर ने उसको तरतीब दी है, कहता है जे तू बचना है, ये आपकी ख्वाहिश है, आपकी मर्जी, आपकी चॉइस है। कहता है जे तू बचना है तो यसु दे कदमा चे आ, जे तू बचना है तो यसु दे कदमा चे आ, जिथे वगदा है रहमत दा दरिया सदा। कहता है तंग दरवाजा वेख के तू डर गया, मौत दे खुले दरवाजे विचों तू चला गया। मेरे जीजो, मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं क्योंकि मुझे खुदा ने मौत से निकाल कर जिंदगी में दाखिल किया है। हम मौत की तरफ आसानी से चले जाते हैं, लेकिन बड़ी अच्छी शायर ने कहा, कहता है आ जा वापस, मसीहा है दर पे खड़ा, माफ कर देगा तेनू खुदा मन खुदा, तौबा करो, यसु मसीह की तली और जिंदा और हमेशा की जिंदगी। हालेलुया, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।